हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है डे 20 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज में। तो गाइजर, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स। और गाइजर, रोब्लॉक्स में हम करने वाले आज बहुत खतरनाक स्वॉर्ड फाइटिंग। अभी आप देख सकते हो मेरी स्वॉर्ड मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, जो कि लकड़ी का डंडा है। पता नहीं इससे मैं किसको मार पाऊंगा। और अगर हम इसे अपडेट करना चाहते हैं तो हमें इस पर मारते रहना पड़ेगा, इस लकड़ी के डंडे को। और उसके बाद हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के जाकर लड़ना इन खतरनाक एनिमी से। मुझे समझ नहीं रहा, इसके पास ये खतरनाक सी स्वॉर्ड है, इसके पास तो और भी खतरनाक वेपन्स है, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। पर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए। जैसे कि इससे लड़ने के लिए मुझे चाहिए 50 स्ट्रेंथ, और इसके लिए 250। और ये जो फाइनल बॉस है उसके लिए मुझे चाहिए 1,75,000। यहाँ पर और भी बहुत सारे जन है जिनके पास खतरनाक वेपन्स है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को बहुत ही खतरनाक अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि हमारी स्वॉर्ड हो जाए बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और यहाँ पर हमें फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है। यहाँ पर 5 ट्रॉफी मुझे मिल चुकी है फटाफट से, इसको हमने ले लिया है। अभी मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ, 100 तक हम इसको लेकर जाने वाले। फिर अपन सबसे पहले एनिमी से अपने लड़ने वाले। और 100 यहाँ पर हो चुकी है। अभी भी मेरे पास ये लकड़ी वाली स्वॉर्ड है, पर कोई बात नहीं, फटाफट से अपन चलेंगे और सबसे पहले इससे लड़ने वाले। और गाइस, अभी आप देख सकते हो हम अपनी सबसे पहली फाइट यहाँ पर करने आ चुके हैं। और ये तो मेरे पीछे पड़ चुका है, भागो भागो, ये स्वॉर्ड लेके मेरे पीछे भाग रहा है। अब मैं इसको मारूंगा। वाओ, ये तो एक ही बारी में यहाँ पर मर चुका है, मुझे लगा नहीं था ये एक बारी में मर जाएगा। अबे ये कहाँ से आ गया, भागो। अबे इससे तो मैंने लड़ने का बोला भी नहीं था। रुक जाओ, इसको इक्विप यहाँ पर कर लेंगे खतरनाक सी स्वॉर्ड को, और इसको भी मारेंगे। और ये क्या, गोस्टी स्कल को भी हमने यहाँ पर हरा दिया। अगला वेपन भी यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, इसको ले लेते। और ये क्या, ये तो बहुत ही खतरनाक है। सॉरी चाचा, ये लो, इसको भी अपन फुल स्पीड में मारते जाएंगे। ये ले, मेरी हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाती जा रही है, इसको भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। और इसको सिर्फ एक बार और मार रहे हो। ये क्या, मैंने तो इसको भी मार दिया। इसका खतरनाक सा वेपन मुझे यहाँ पर मिल चुका है, इसको यहाँ पर इक्विप कर लेंगे। और ये फ्रॉस्ट जायंट यहाँ पर आ चुका है, मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम है और मैं यहाँ पर मर गया। पर गाइज़, मैंने एक ही बारी में इन तीनों को यहाँ पर खत्म कर दिया, जो की स्टार्टर, इजी और मीडियम तक तो हमने सबको हरा दिया। अब हार्ड, एक्सट्रीम, इलाइट और ये बॉस बचा है। पर हमारे पास ये खतरनाक सा वेपन भी यहाँ पर आ चुका है, तो अपनी ट्रॉफीज की मदद से यहाँ पर खोल सकते हैं खतरनाक। और यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर एक पेट मिल चुका है, जिसका नाम है बनी। और यहाँ पर अपन जाएंगे, एक और बॉक्स खोलेंगे, देखते हैं इसमें हमें क्या मिलने वाला है। माउस, एक खरगोश, एक माउस हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब ये दोनों मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। रुक जाओ, एक और बार खोलते हैं, देखते हैं इस बार क्या मिलने वाला है। कुछ खतरनाक सा मिल जाए बियर, इतना छोटा बियर मैंने आज तक नहीं देखा। ये तीनों के तीनों पेट्स मेरे साथ घूमने वाले हैं, तो अभी मैं फटाफट से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं, ताकि गाइजर हम और भी खतरनाक जनों से फाइट कर सके। और अभी आप देख सकते हो मैं इस वाले पर भी मार पा रहा हूँ, इस वाले पर देख दो ट्राई करके। नहीं, इस पर भी नहीं कर सकता अभी भी। इस पर फटाफट से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ताकि गाइजर हम बाकी के एनिमीज से भी लड़ सके। और यहाँ पर फ्री गिफ्ट देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। एक और गिफ्ट यहाँ पर मिल चुका है, 150 ट्रॉफीज और ये 870 हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ 1000 होने में एक सेकंड बाकी और हो गया, 1000 स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पर हो चुकी है। और मेरे पास 150 कॉइंस भी आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर जाकर एक और खतरनाक सा एग खोलने वाला हूँ, देखते हैं क्या मिलने वाला है। कैट, यहाँ पर एक कैट भी हमें मिल चुकी है। कितने सारे एनिमल्स मैं यहाँ पर लेकर घूमने वाला हूँ, इसको भी इक्विप कर। तो भी आप देख सकते हो 1000 हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पर हो चुकी है, और मैं वापस से जाने वाला हूँ लड़ने से। इस बार उस हार्ड वाले को भी हम बीट कर करेंगे। सबसे पहले 11-1 वाले को मारना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बारी में मर चुका है, इसको भी एक ही बारी मार देंगे। अब ये हमारे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, ये दो बारी में मर गया। अब बारी इसकी, पिछली बार इसने हमें मारा था, पर इस बार नहीं मार पाएगा। ये ले, बिशुं, बिशुं, बिशुं। हमारी हेल्थ बहुत ही ज्यादा तेज जा रही है, पर उसकी भी जा रही है। इस बार ये पक्का मर जाएगा, और ये मर गया। पिछली बार इसने हमको मारा था, इस बार मैंने इसको यहाँ पर मार दिया। इसका वेपन कौन सा है वो ले लेते हैं, और मैं ही मर गया जब तक मैं वेपन चेंज कर रहा था, जब तक मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। तो गाइस, हमें एक खतरनाक सी ड्रैगन ब्लेड मिल चुकी है उस हार्ड वाले फ्रॉस्ट जायंट की। इसके पास ही ड्रैगन ब्लेड थी, अब ये मेरी हो चुकी है। अब बारी इस एक्सट्रीम वाले को हराने की, जिसने मुझे एक ही बारी में मार दिया। तो फटाफट से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और फुल स्पीड में अपना चक्कू मारना शुरू करते हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ा पाए।
है, फ्री गिफ्ट भी हमें यहाँ पर मिलने वाला है, फ्री पेट हमें, फ्री गिफ्ट यहाँ पर मिल चुका है जो कि 300 पावर। लेट्स गो, फटाफट से अपने इसको बढ़ाते जाते हैं, इसको मैं 3000 तक लेके जाने वाला हूँ ताकि फिर मैं और भी जनों से लड़ सकूं। तो फटाफट से करते जाते 3000 तक इसको लेकर जाते हैं। तो गाइस जब तक मैं इसको 3000 तक लेकर जा रहा हूँ, आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो जब तक मैं इसमें फुल स्पीड में मारता जाता हूँ और इसको 3000 तक लेकर जाते हैं, लेट्स गो, मारो मारो मारो। और गाइस अभी आप देख सकते हो 3000 पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब हम इस पे भी मार सकते हैं, इससे हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। पर अभी हम जाने वाले हैं और इसको हरा के दिखाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे और बढ़ाना चाहिए, उसकी 17000 स्ट्रेंथ है और मेरी सिर्फ 3000, मुझे 5000 तक तो कम से कम जाना चाहिए ताकि एक बार में, ताकि मैं 3 या 4 बार में उसको मार सकूं। तो फटाफट से इसको 5000 तक पहुंचा देते हैं क्योंकि इस बार बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। 4000 पर तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बस 5000 तक जाना है, 1000 और, अब सिर्फ 500 और। तो जल्दी जल्दी इसको लेकर जाते हैं 5000 तक, फिर हम जाएंगे वापस से फाइट करने इन सभी जनों से। और ये 5000 होने वाली है 3, 2, 1 और ये हो गई, 5000 स्ट्रेंथ हमारी हो चुकी है। अभी हम जाने वाले हैं फुल स्पीड में। गाइसर फाइट से पहले हमारे पास यहाँ पर एक व्हील भी स्पिन करने के लिए, देखते हैं इसको स्पिन करने से हमें क्या मिलने वाला है। 100 स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं था पर कोई बात नहीं, 100 स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब अपन फटाफट से चलते हैं और फाइट करते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल सा बंदा आएगा, उसको एक ही बारी में हमने खत्म कर दिया, हमारी हेल्थ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसको भी एक ही बारी में खत्म यहाँ पर कर दिया है और इसको भी एक ही बारी में यहाँ पर खत्म कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। इसको भी एक दो दो बारी में इसको अपने यहाँ पर खत्म कर दिया। अब बारी इसकी, पिछली बार इसने हमें मारा था पर इस बार मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। ये ले मेरी स्ट्रेंथ, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी मर गया। तो गाइस मुझे अपना अगला वेपन भी यहाँ पर मिल चुका है और ये तो बहुत खतरनाक है, इसको मारना तो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर अगला वेपन हमें मिल चुका है जो कि एक गोल्डन रेजर फिस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ये देखो भुशु, भुशु, भुशु। और गाइसर मुझे लगता है हम यहाँ पर अपना वर्ल्ड भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम इसमें जा सकते हैं। चलो फटाफट से देखते हैं क्या होने वाला है। भाई तो यही है, अभी हम सिर्फ कैसल में ही रह सकते हैं क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा खतरनाक नहीं बने, पर थोड़ी देर में हम और भी ज्यादा खतरनाक बनने वाले हैं क्योंकि आप देख सकते हो अभी हम स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाने वाले हैं और इसको लेकर जाने वाले 10000 तक, ताकि हम उस खतरनाक से एलीट गार्ड को भी हरा सके जिसका नाम है बेरबरिक गार्ड। इसकी स्ट्रेंथ है 50000 और मेरी अभी सिर्फ 5000 है, तो हमें कम से कम 10000 तक तो जाना ही पड़ेगा अगर हमें उसे हराना है तो। और हमारा फाइनल गोल है वो फाइनल बॉस को हराने का, जिसका नाम है ब्लड रेड इग्रिस, ऐसा कैसा नाम है। चलो फटाफट से, तो गाइसर अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर 10000 पर पहुंचने वाले हैं। बस ये हो ही गया 10000 और ये डन, 10000 स्ट्रेंथ हमारी हो चुकी है और अभी हम जाएंगे वापस से लड़ने वाले। मेरी लेवल कैसे बढ़ेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर फ्री का गिफ्ट यहाँ पर जरूर क्लेम कर लेंगे, 350 ट्रॉफीज। रुक जाओ मुझे ये वाला अंडा खोलना है यहाँ पर फटाफट से ये अंडा करते हैं ओपन, देखते हैं क्या मिलने वाला है। पेंगुइन मिल चुका है यहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस पेट को अपने साथ रख लेंगे, रुक जाओ। तो यहाँ पर पेंगुइन को भी हमने अपने साथ रख लिए, फटाफट से चलते हैं फाइट करने अपने सारे बैट्स के साथ। अब गाइस ये आएगा मरेगा, जो भी आएगा सबके सब मरने वाले, आते जाओ मरते जाओ क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको भी एक ही बार ही मार दिया और मेरा लकी व्हील स्पिन भी आ चुका है, इसके बाद लकी व्हील स्पिन करेंगे। इसको भी हमने हरा दिया और इसको भी नहीं छोड़ने वाला। पिशुम पिशुम इसको भी मार दिया, ये भी बहुत ईजी था पर अब इसको मारना थोड़ा हार्ड होने वाला है। क्या हम इसको एक बारी में मार पाएंगे, इसने तो मेरी हालत फिर से खराब कर दी। इसको मारना अभी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पर फटाफट से अपनी स्पिन करते देखते क्या मिलने वाला है। 300 स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है पर कोई बात नहीं चलेगा। हमें अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा जो कि हम जाकर इधर बढ़ा सकते हैं। अब इधर हमें और भी ज्यादा जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगी, एक बारी में 100 स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल रही है। तो अगर थोड़ी देर में यहाँ पर बॉक्सिंग करूं, मुक्केबाजी करूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा ही होने वाले स्ट्रेंथ। तो फटाफट से करते हैं
इसको बढ़ाते फिर आपसे मिलता हूँ। तो कहे सर अभी हमारी स्ट्रेंथ हो चुकी है 34,000 और अब हम जाने वाले फाइट करने वापस इन सभी जनों से। देखते हैं इस बार हम कितनी जल्दी जल्दी मार पाएंगे। इसको तो हमेशा एक ही बारी में मार देते, इसको तो हमने मार दिया और इस स्केलेटन को भी मार देंगे एक ही बारी में। इनको मारना बहुत ही ईजी है, इसको भी सिर्फ एक ही झटके में खत्म। अब बारी इसकी, इसको भी एक ही झटके में खत्म कर देंगे, बहुत ही ज्यादा ईजी है। इसका 35K, इसको भी खत्म कर दिया। मेरी हेल्थ इसने 100 कर दी, पर कोई बात नहीं, अब इसकी बारी आ चुकी है और मैंने इस बार इसको भी खत्म कर दिया। मतलब वो जायंट बॉस आ चुका है, इसको भी मैं मारने वाला हूं और इसने मुझे ही मार दिया क्योंकि मुझे वेपन चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। अभी मुझे यहां पर मिल चुकी है सेलेस्टियल स्टार ब्लेड जो कि थी इस खतरनाक से जानवर की, मतलब मॉन्स्टर की जो भी बोलो। अब फटाफट से वापस से अपन चलेंगे और सबको वापस से मारने वाले इस बार इस खतरनाक सी ब्लेड से। देखते हैं क्या हम बॉस को खत्म कर पाएंगे। एक खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, नीचे आप देख सकते हो सारे जनों का आ रहा है। इसको खत्म करते, 3 जने खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 4 जने और बचे हैं। अब सिर्फ 3 जने और बचे हैं, इनको मारने में तो इतना मजा आता है ना, इजीली मर जाते हैं ये। अब इसने मेरी हेल्थ फिर से कम कर दी, इस बार इसको मारेंगे, ये ले और इसको फिर से मार दिया। अब वो आएगा, ये बहुत खतरनाक है, इसको यहाँ पर घूम घूम के मारना पड़ेगा, पर इसको मारना थोड़ा मुश्किल है। अभी अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर इसको हम मारना चाहते हैं तो। उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 1,75,000, मेरे ख्याल से 50,000 हमें करनी पड़ेगी तभी हम उसको मार पाएंगे। वैसे अपनी स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर एक स्पिन भी कर देते, देखते क्या मिलने वाला है। पोशन नहीं, 300 पावर, ये भी सही है, ये भी काम ही आएगी। और यहाँ पे फ्री गिफ्ट हमें नहीं मिल रहा और मुझे आइटम में यहाँ पर मिला था 2x विन, डबल योर विंस। लेट्स गो, फटाफट से इसको यूज करते हैं, वापस से फाइट करने, देखते क्या होने वाला है, इससे क्या होगा। ये पोशन भी बढ़िया लग रहा था, इसको मारेंगे और ये डन, ये मर गया। इनको तो आपको पता ही, मैं कितनी जल्दी जल्दी मार देता हूं, इनको फटाफट से मारते जाते हैं। इसको भी यहाँ पर मार देंगे। इस बार ट्राई करेंगे कि हम बिल्कुल भी डैमेज ना ले ताकि हम आखिरी वाले को मार सके। इसको भी हमने मार दिया और ये भी आएगा, इसको भी बूम 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 मार दिया। 97 हेल्थ हो चुके, ठीक है मेरे ख्याल से इतना ठीक है, हम इसको मार पाएंगे। ये ले, नहीं मार पाएंगे, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें जाना चाहिए यहाँ पर और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना चाहिए 50,000 तक। मुझे लगता नहीं है 40,000 पे तो मैं मार नहीं पाया, 50,000 पे कैसे मारूंगा, मुझे ज्यादा ही चाहिए होगा इसको मारने के लिए। पर फिर भी 50,000 पे वापस से हम ट्राई करने वाले क्योंकि 45,000 ऑलरेडी हो चुकी है। और गाइस 50,000 के हम बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, 50,000 यहाँ पर हो भी चुका है। 10 सेकंड और करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत है। चलो फटाफट से चलते फाइट करने, इन सभी जनों को तो हरा दिया। मेन इनका आखिरी बॉस ही बाकी है, उसको मारना थोड़ा मुश्किल है। इसको एक ही बारी में खत्म कर दिया, बहुत इजी था, इसको भी हमेशा हम खत्म कर देते हैं। वो आखिरी जने को हराना मुश्किल हो रहा है बस, और तो सबको मैं मार दे रहा हूं। अब मुझे बस ये ट्राई करना है कि मैं ज्यादा डैमेज भी ना लूं। वैसे मैं 97 हेल्थ कर ले रहा था बार बार, पर इस बार नहीं करने वाला। 110 यहां पर हेल्थ हो चुकी है, इसको मारेंगे, ये ले 100 हेल्थ यहां पर हो चुकी है और इस पर अटैक करते, ये ले इसकी स्ट्रेंथ तो 350 की है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को 100 के कम से कम करना पड़ेगा, तो यहां पर खड़े रहना पड़ेगा थोड़ी देर और ताकि इसको 100 के कर सके। और गाइस अब आप देख सकते हो हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं उस बॉस से लड़ने के लिए क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1,18,000, मतलब बहुत ज्यादा हो चुकी है। फटाफट से इसको जाकर मारेंगे, इनको तो आपको पता ही क्या पता, चलिए इनको खत्म करता हूं मैं। फटाफट से फिर चलते बॉस की तरफ, इसके पास जाएंगे, बूम, लेट्स गो, साइड हो जा। तीसरा गया, चौथा भी गया यहां से। अब तो हमको सबको एक एक बारी में मारने वाले, ये पांचवा भी यहां से जा चुका है, इसने मुझे कोई डैमेज नहीं दिया, इसने भी कोई डैमेज नहीं दिया। अब बारी इस बॉस की, ये ले बॉस के बच्चे, और ये क्या, मैंने इसको भी खत्म कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उसको यहां पर पूरा का पूरा खत्म कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, हमने बिल्कुल उसको हरा दिया है। इसको हराना तो बहुत ही ज्यादा इजी था, इतना इजी कि मैं उसको वापस जाके हराने वाला हूं, वो भी एक ही बारी में। ये जाएगा एक, अब बस गिनते जाओ उनको कैसे हराने वाले। इनका दूसरा विलन भी गया, इसको भी हमने मार दिया, और इनका तीसरा विलन भी यहां पर गया, और ये चौथा विलन भी यहां पर मर गया। चलो फटाफट से सबको मारते जाते, ये पांचवा भी गया, अब ये छठा आएगा और इसके बाद इनका बॉस आएगा। और अब बॉस की बार यहां पर आ चुके, इसको मारेंगे, 1, 2, 3 और ये खत्म। तीसरी बार हमने इस बॉस को हरा दिया। कैसे
रेसल वर्ल्ड चैंपियन हम यहाँ पर बन चुके हैं और अब हम जा सकते हैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे बॉसों से लड़ने, जो कि ये खतरनाक सा गॉड्स टाइटन जिसका है 18 मिलियन स्ट्रेंथ। इसको हराने के लिए हमें अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पर वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगर आपको देखनी है इसकी अगला पार्ट तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। तो गाइस सर, मैं मिलूंगा आपसे अगले गेम यानी डे 21 पर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।